बच्चों नमस्कार, प्यारे बच्चों आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हो आप सभी? आज हम शुरुआत से लेकर चल रहे एक चैप्टर एक दिन, महत्वपूर्ण है। 15 दिन में 15 चैप्टर आपको कराएंगे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कुछ जबरदस्त है। तो आप सभी भाई लगे रहें जबरदस्त तरीके से, आप ध्यान से बस प्रत्येक चैप्टर को जितने मैं पढ़ाऊंगा बच्चों उनमें से सारे क्वेश्चन एक बार खुद करके देख लेना। जैसे ही आप खुद कर लोगे तो आपको अपने आप ही एक नई एनर्जी सी महसूस होगी, एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा बच्चों, जिससे आप 100% एक बेहतर रिजल्ट दोगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी क्लास के साथ जुड़े रहें और पूरे 15 दिन तक ये मैथमेटिक्स का जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इसे ज़बरदस्त तरीके से पढ़े। आज मैं पूरा कंप्लीट एवरेज कराने वाला हूँ, औसत का चैप्टर, डेली एक चैप्टर लेंगे, सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी का मोस्ट वेलकम है, आ जाओ जल्दी जल्दी और मेहनत करनी है ज़बरदस्त मेरे साथ साथ। डेली बहुत सारे मतलब फुल चैप्टर डेली कराऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन बहुत इजी है जिसे आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, पहली 5 भाज्य संख्या, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कंपोजिट नंबर, पहली 5 भाज्य संख्या, पहली 5 भाज्य संख्या। सभी भाई क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए मेरे छोटे भाइयों, और बड़े प्रेम से पढ़िए, बड़े प्रेम से मैं पढ़ाऊँगा। डेली एक चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, आज एवरेज का फुल चैप्टर है, सब समझाऊंगा। दोस्तों भाज्य संख्या वे होती है जो कट जाती है किसी न किसी संख्या से, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 1 नहीं होती, 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है दोस्तों, ये भाज्य नहीं है। ये 2 तो है भाज्य, 2 और 3, और 1 ना भाज्य है और ना अभाज्य है बच्चों, 1 ना भाज्य है और ना अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। अब ये तो होगी हमारी भाज्य संख्या, ठीक है मेरे भाई। 4 के बाद 5 नहीं है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8, 9, 10 ये सभी भाज्य संख्या है। अब हमें सीखना है मेरे बच्चों एवरेज को, औसत को सीखना है। औसत क्या चीज़ होती है? औसत होता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बिल्कुल बीच की वैल्यू। तो औसत निकालने के लिए सभी का योग कर लेंगे हम और संख्या से भाग दे देंगे। ये सभी मेरे भाई एक बार अच्छी तरह पूरे सीरियस होकर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए सभी भाई। तो भाज्य संख्या हमारी केवल 4 से शुरू होती है, सबसे छोटी 4, 6, 8, 9, 10। इस टाइप का अगर सवाल आ गया, विश्वास मानिए दोस्तों कम से कम 60-70% बच्चे फेल हो जाएंगे इस टाइप के, क्योंकि सभी नहीं पता है भाज्य संख्या क्या है। ये अभाज्य हैं, ये अभाज्य 2, 3 और हमें भाज्य लेनी है, ठीक है मेरे भाई। तो आप पढ़िए और समझिए। तो आपने इन्हें जोड़ लिया बच्चों, 6 और 4, 10 और 10, 20 और 9, 8, 17, तो कितने हो गए? 10, 10, 20 और 17, 37। सभी का जोड़ कितना हो गया? 37। और संख्या कितनी होगी? 5। 5 से भाग देना है तो ऊपर ली संख्या का दुगुना कर दो, 74, एक अंक पर दशमलव आंसर। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है बच्चों। तो इस तरह पहले तो भाज्य संख्याओं का आपने संख्या देखी कि भाज्य संख्या होती कौन सी है, ठीक है बच्चों, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य होती है। एवरेज सुना आपने, सभी का योग बटे संख्या, आज एवरेज का पूरा चैप्टर करेंगे, तो सभी भाई ध्यान से पढ़िए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इस सवाल को करो पहले, थोड़ा आगे पीछे हो रहे बच्चों, ऑप्शन ए का देंगे उसे चेंज कर लेंगे, आप इस सवाल को करिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इनमें से फंसेंगे सवाल जितने पढ़ाऊंगा, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
ठीक है, करिए बेटा इस सवाल को, एक बार देखिए समझिए और करिए। 40 बच्चों का एवरेज 33 किलो है, अन्य 32 बच्चों का एवरेज 60 किलो है, सभी बच्चों का एवरेज आपको निकालना है। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले एक बात और सुन ले कि आप योग निकाल लोगे। योग होता है औसत गुणा संख्या, योग होता है औसत गुणा संख्या। औसत एक संख्या की वैल्यू को दर्शावे कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ एक व्यक्ति का भार 33 किलो, तो 40 व्यक्ति का भार कितना हो गया, 40 गुणा 33, ये टोटल वजन हो गया जी 33 बच्चों का। एक बच्चे का 33 किलो, तो 40 बच्चों का 33 गुणा 40। अब एक अगले दूसरे बच्चे जो हैं 32, उनका है 60 एक बच्चे का, तो 32 बच्चे का हो गया 32 गुणा 60, ये कुल वजन हो गया जी सभी का कुल वजन। और इस योग को आप संख्या से भाग दे दो, संख्या थी हमारी 40 और 32, संख्या थी हमारी 40 थी और 32 थी। एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया। एक और इसका शॉर्ट तरीका है बच्चों, शायद शॉर्ट आप एग्जाम में वही लगाएगा शॉर्ट, तो दोस्तों जिसे एक्सपीरियंस है, शॉर्ट ये है कि आप इस संख्या को काट सकते हो, संख्या को काट सकते हो औसत को नहीं। जैसे 40 बच्चे 32 बच्चे 8 से काट सकते हो, 8 5 40, 8 6 32, आप इसे काट भी सकते थे इस तरह से, काट सकते थे 8 6 8 5 40 और 8 6 32। 5 बच्चों का हो गया 5 गुणा 33 और प्लस 4 बच्चों का हो गया 4 गुणा 60। इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। टोटल बच्चे 5 और 4 9, इस तरह भी आप इस टाइप के सवाल को कर सकते हो। आओगे जरूर मेरे भाई, ये नॉर्मल ही है। आप वैसे ज़्यादा लंबी चौड़ी गुणा भाग में बढ़ो ना, बस आप इस तरह से कर सकते हो। एक बच्चे का 33 किलो, तो 40 बच्चों का 40 गुना 33, एक बच्चे का दूसरे 60 किलो, तो 32 बच्चों का हो गया 32 गुना 60 और टोटल भाग दे देंगे। गुणा कर लो बच्चों, 0 4 3 12, 4 3 12 13, 1320 प्लस 0, 6 से गुणा कर दो 6 2 12 और 6 3 18 1920, और सबको 40 और 32 72 से। ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ेगी, वो थोड़ी ईजी थी जो आपको अभी रास्ता बताया बच्चों। तो इन 15 दिनों में मैं आपको जो रास्ता बताऊंगा, बस उसे फॉलो कर लियो, उसे समझ लियो, उस पर अभ्यास कर लियो बेटा। गणित और रीजनिंग नहीं चुकेगी, क्योंकि गणित से ही रीजनिंग है। अब आप कर ही लोगे मेरे भाई, इसे बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। मैं कैलकुलेशन का एक और सिद्धांत बता दूं, आप यहां से भी कॉमन ले सकते हो 8, कोई जल्दबाजी तो नहीं है किसी बच्चे को, गणित की कैलकुलेशन सीखनी है तो बेटा ध्यान दीजिए, 8 ऊपर यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 8 5 40, 5 गुणा 33 हो गया, प्लस 8 यहाँ से भी कॉमन ले लो, 8 6 32 और गुणा 60 हो गया, और नीचे से भी 72 है, ये टोटल कितना है 72, इस 72 से भी 8 गुणा 9 72, तो आपको देखो वही इक्वेशन देखने को मिलेगी। किसी बच्चे को अब कोई दिक्कत तो नहीं हुई, वही सब सिस्टम है मेरे भाई। अब क्या करें, 3 5 15 और 3 5 15 116 प्लस 4 6 24 240, इस सब के जोड़ को आप 9 से भाग दे दें तो आप तुरंत सवाल कर लोगे। तो मेरे बच्चों ये कितना हो गया, 5 6 8 4 10 हासिल 1 2 1 3 1 4, 405 को 9 से डिवाइड करना है, आराम से कर लो, 9 6 36 9 5 45, तो सभी का एवरेज दोस्तों कितना आ गया 45, सभी का एवरेज कितना है 45। हर हर महादेव अश्वनी भाई। चलो जी इस सवाल को देखिए, पहले छोटे छोटे से सारे सवाल निपटा लेते हैं जो एवरेज के आते हैं, एवरेज के छोटे छोटे से सभी सवालों को निपटा लेते हैं। इस टाइप के 7 के प्रथम 15 गुणज का एवरेज निकालना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ 15 संख्या में से बीच की संख्या ले लो, क्योंकि बीच की संख्या ही एवरेज होती है बेटा, बीच की संख्या ही एवरेज होती है। तो 15 संख्या में से पहली 7 बाद की 7 हटा दे, तो बीच में 8वीं संख्या आएगी, तो 8 7 56 इसका एवरेज आ जाएगा। एक तरीका तो हो गया समझदार बच्चों के लिए, ये एक तरीका तो हो गया ये कि आप 7 की 8 में गुणा कर दो, 8वीं बीच की संख्या है, बीच की संख्या ही एवरेज होती है, जो मैं आपको स्टार्ट में बताया। सारे शॉर्ट ट्रिक इसी तरह चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आप ध्यान दीजिए।
या आप इस टाइप के सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, सात का प्रथम गुणज, गुणज का मतलब यहाँ टेबल से है, पहाड़े से है, सात का प्रथम गुणज सात एकन सात, और सात का पंद्रवा गुणज सात गुणा पंद्रह। ठीक है बच्चों, ये टोटल संख्या कितनी होगी, पंद्रह संख्या है क्योंकि गुणज भी पंद्रह ही है, तो आप हल कर दो। सॉरी, मैं यहाँ पहला और आखिरी लिया है, यहाँ पहला पद लिया है और यहाँ अंतिम पद लिया है, तो जब आप पहला और अंतिम बस दो ही पद लेते हो तो तब दो से ही भाग दोगे। ये गलती मत कर देना कि आप इसे पंद्रह से भाग दे दो। जब आप दो ही पद लेते हो, एक पहला और एक आखिरी का, औसत निकालते समय केवल दो से ही भाग दोगे। तो सात एकन सात, मेरा फर्ज बेटा ये है, मेरा फर्ज अब आपका ये समझाने का है कि आप नियम को सीखिए, डाटा तो बदल का आएंगे। तो 105 और 107 कितने हो गए, 112, दो से भाग दे दो तो फिर भी आपका 56 ही आएगा। तो मैं इसके दो तीन तरीके आपको बताए, इस टाइप के सवाल जो भी आएंगे आप उसे तुरंत कर लेना। ठीक है बच्चों, अब इस सवाल को देखो मेरे भाई और समझो, बहुत छोटे छोटे से बढ़िया सवाल हैं सारे, एवरेज के, एक दिन एवरेज निपटाएंगे, एक दिन कोई और, एक दिन कोई और, डेली कोई ना कोई चैप्टर हम समाप्त करते रहेंगे। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, 6 अन्य संख्याओं का औसत इसमें दिया नहीं है, ज्ञात करना है। अगर उन्हें भी शामिल कर ले तो सभी का औसत एक बढ़ जाता है, एक्स का मान बताओ, ये सवाल में पूछा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन में दोस्तों पूछा हुआ है। आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हो और आप इसे डिटेल से पूरा तरीके से भी कर सकते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस ये है एलिगेशन से थोड़ा छोटा हो जाएगा। एलिगेशन एक मिश्रण होता है जहाँ अलग अलग कैटेगरी दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसके आपको तरीके बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए और समझिए, गौर करिए। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है और आपको औसत ही निकालना है, तो आप औसत ही लिख लीजिए। यहाँ ध्यान से सुनिए बेटा, पहले औसत कितना था 18 संख्याओं का, तो आप 37.5 लिख ले दोस्तों, और बाद वाली 6 संख्याओं का औसत कितना है, बाद वाली 6 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, एक्स है, ये लिख लिया। अब सवाल में कहा अगर हम इन दोनों को शामिल कर लें तो सभी का एवरेज एक प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसमें बढ़ाओगे आप एक प्लस, जो पहले वाला औसत था वो एक बढ़ गया तो 38.5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, अब आप इन्हें घटा के लिखें, इन दोनों को घटाओगे तो दोस्तों एक ही तिरछे घटाए करें, भाई थोड़ा ध्यान दे, फ्रेशर बच्चा, तिरछे घटाएंगे तो यहाँ तो एक ही बचेगा दोस्तों, और यहाँ क्या बचेगा, बड़े में से हमने ये छोटा घटाया तो अब की बार ये बड़ा होगा x माइनस 38.5। अच्छा जी, या आप ऐसा भी काम ना करें, बस इतना सोच ले कि संख्या का अनुपात कितना था, 6 × 6 = 36 = 18, 3:1 का अनुपात था, अगर ये एक है तो इधर तीन आएगा, अगर ये संख्या एक थी तो इधर कितना आएगा, तीन। अब ये तीन बड़ी होनी चाहिए इससे, तो आप 38.5 में 3 जोड़ दो दोस्तों, क्योंकि यह इधर वाली तो छोटी है तो निश्चित रूप से बड़ी होगी, 38.5 में 3 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 41.5। देख कितना आसान, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई गुणा नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे आसान तरीका है 41.5। इस तरह अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आपको वाकई बहुत फायदा होगा इस टाइप के सवाल में, कोई गुणा भाग नहीं करी। प्रत्येक होशियार बच्चा, जिन जिन के नंबर आएंगे बच्चों, वे सवाल को इसी तरह करेंगे, जिसमें वे टेंशन में नहीं घुसना चाहते कि आप 18 की 37.5 में गुणा करें और 6 की x में गुणा करें और फिर सब की गुणा करें, कभी भी बच्चा इसमें नहीं घुसेगा, वो बहुत नॉर्मली ढंग से करने का प्रयास करेगा, तो आप भी थोड़ा अभ्यास करें। अच्छा, इस टाइप के सवाल को बाद में लेंगे, मैं उस टाइप का एक दो क्वेश्चन और देख रहा था, चलो जी आएंगे आगे तब करते रहेंगे। एक और थोड़ी है, सारे टाइप के क्वेश्चन बच्चों शामिल करें, देखिए इस टाइप का सीरियस होकर पढ़िए सभी भाई, अगले 15 दिन में आप ये कहोगे जी गणित पूरा हो गया, इन अगले 15 दिन में आपको गणित का बिल्कुल निचोड़ करा दूंगा दोस्तों। इस सवाल में क्या है, आप एक बात पहले ध्यान से सुनिए, जब भी ये शब्द आएगा ना, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में जितना भी आप जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा या भाग,
वर्ग घन नहीं कर सकते आप, केवल जोड़ घटा गुणा भाग, जो भी आप जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे या भाग करोगे वही प्रक्रिया आप एवरेज के साथ कर देना बस, जो भी प्रत्येक संख्या के साथ देगा सेम टू सेम वही कैलकुलेशन आप एवरेज के साथ कर दो तो आपको नया एवरेज मिल जाएगा, बस इतना करना है। तो आपको नया एवरेज ज्ञात करना है, नया एवरेज ज्ञात करना है तो आपको क्या रास्ता बताया, पहले वाला एवरेज लिख लो जो का, तो पहले वाले एवरेज में 6 से विभाजित किया जाता है तो बेटा हमने 6 से विभाजित कर दिया, और फिर 2.5 जोड़ दिया जाता है तो बेटा हमने प्लस 2.5 जोड़ दिया, बस इतना करना और कुछ नहीं करना है बच्चों। जो प्रत्येक संख्या में कहेगा बेटा वही हमें एवरेज के साथ करना है, 6 से भाग देकर 2.5 जोड़ दिया। अब बेटा आप बहुत आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, 3 से भाग दे दो 3 × 2 = 6, या डायरेक्ट 6 से भाग दे दो, आपकी इच्छा है डायरेक्ट 6 से भाग दे दो, 6 × 6 बच गए 2, ठीक है बच्चों, हो गए 21 × 6 = 18, बच गए 3 × 6 = 30, 13.5 में आप 2.5 जोड़ दीजिए तो आपका ये 16 हो जाएगा पूरा, तो आंसर आ जाएगा नया एवरेज 16। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? देखिए ऐसे सवालों में जिसमें प्रत्येक में हो इन संख्याओं का हमें कोई लेना देना नहीं होता, जो संख्या दी जाती है इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता तो इन्हें छोड़ा जा सकता है। अच्छा किसी बच्चे को कोई दिक्कत है प्लीज वो मुझे जरूर बताएं, वो मुझे मैसेज करें, बाकी तो सभी जवाब दे रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है कि इस सवाल में जरूर पूछे। अब ये कर्मागत वाला है, इनकी पहचान कर लो बस, वो सवाल था प्रत्येक वाला, यो सवाल है कर्मागत, सक्सेसिव कंजक्टिव लगातार, तो लगातार विषम संख्या कह रहा है, तो जब भी लगातार वाली थोड़ी होगी तो आप एवरेज को बीच में लिख लोगे, एवरेज को बीच में लिख लोगे। अब आपको कितनी संख्या चाहिए, 8 संख्या चाहिए, 8 में से इसे तो छोड़ दीजिए क्योंकि यह हमारी सम संख्या है, और आपको चाहिए विषम संख्या। क्लियर है बात? सवाल को बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आपको चाहिए विषम संख्या तो आप एक काम करें, इससे बड़ी विषम संख्या ले लो और इससे छोटी 4 इधर ले लो और 4 इधर ले लो, तो आपको 8 पूरी मिल जाएगी। लेकिन आपको बड़ी निकालनी है तो केवल बड़े बड़े वाली ले लो, तो 62 से बड़ी 63, हमें विषम संख्या लेनी जो 2 से ना कटे, फिर आपका 65 दो के अंतर से, फिर आपका 67 और 67 से बड़ी 69, ये हमारी लार्जर संख्या है 69, ए विकल्प आ जाएगा। छोटी पूछे तो घटाते चल जाओ बच्चों, ये छोटा हाँ मसला है, बस लगातार वाली बात में ये चीज ध्यान रखना बेटा, लगातार वाले मसले में बस ये ध्यान रखना। पीयूष अहलावत 71 कैसे कर दिया बेटा आपने, 71 कैसे कर दिया बेटा, 63, 65, 67, 69। अच्छा बेटा इस सवाल को देखिए, कोई ऐसा संख्या दे सकता है जो आपको परेशान कर दे, यहां भी कर्मागत कह रहा है, 3 कर्मागत सम संख्या का योग इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। करिए बेटा इस सवाल को, तो मेरे भाई आपको ऐसे क्वेश्चन में कैसे सोचना है, सवाल में कहा इन तीनों का जो एवरेज होगा, इन तीनों का जो एवरेज से 28 अधिक है, 3 कर्मागत सम संख्याओं का योग तीनों के एवरेज से 28 अधिक है, तो बेटा यहां ध्यान दीजिए इस टाइप का सवाल आप कैसे करोगे, मैं आपको बिल्कुल इसकी डिटेल समझा रहा हूं। जब भी 3 कर्मागत सम लिखनी हो या विषम, तो x लिख लिया, 1, 2 इससे कम लिख लिया और 2 इससे ज्यादा लिख लिया। कभी भी 3 कर्मागत सम संख्या या विषम संख्या लिखनी हो तो बेटा आप इसका प्रयोग करोगे। कुछ चीजें आपको जड़ से सीखनी पड़ेगी, कुछ चीजें में आपकी ट्रिक लग जाएगी, कुछ चीजें आपको जड़ से चाहिए जरूर। तो बेटा ये हमारी 3 कर्मागत विषम संख्या होगी, सम संख्या सॉरी, सम हो या विषम यही बात है। अभी उन कह रहा है इन तीनों का जो योग है, तो आप कहोगे 2 से 2 कट जाएगा तो तीनों का योग 3x आ जाएगा, ये तीनों का योग हो गया बेटा। अब वो अपनी शर्त क्या कह रहा है, सवाल की शर्त देखिए, तो सवाल की शर्त ये है बेटा
इन तीनों का एवरेज, एवरेज कर्मागत में हमेशा बीच की संख्या होती है, इन तीनों के एवरेज से 28 अधिक है, बस ये बात कह रहा। उन शर्तों को भी आपको फॉलो करना जो सवाल में, वो बदल के दे सकता है कुछ भी, बस उसे ही गणित कहते हैं बच्चों। तो बेटा ये कहा इन तीनों के एवरेज, एवरेज बीच की संख्या होती है, एवरेज बीच की संख्या होती है भाइयों, तो तीनों के एवरेज से 28 अधिक है। अब x को x में से घटा लीजिए, 2x बराबर 28, तो x बराबर बेटा हमारा 14 आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, इनमें सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो ये x माइनस 2 वाली है बेटा, तो अर्थात 2 कम और कर दो तो 12 हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 12। तो वे संख्या थी 12, 14 और 16, तीन क्रमागत इवन नंबर थी। चलो मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन में इसमें शामिल किए। एक और ऐसा ही है भाई, एक और बेटा ऐसा ही है, इसे भी प्रयास करिए, समझिए बिल्कुल, इसे समझिए बेटा। चार लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, चारों नंबर में सबसे पहला क्या है। देखिए बेटा इस सवाल को भी समझिए, बिल्कुल सेम ऐसा ही करिए, सोचिए समझिए देखिए बताइए। चार लगातार विषम संख्या का योग इन चारों संख्याओं के एवरेज से 30 अधिक है, बेटा ध्यान दीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए अगर आप डिटेल में जाना चाहो, मान लिया में चार लगातार विषम संख्या आपको लेनी है, तो बेटा चार लगातार विषम संख्या आपको कैसे लोगे, तो आप x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 3, इस तरह से चार लगातार विषम संख्या आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, दो दो के अंतर से हैं सभी, सम हो या विषम दो दो के अंतर से होती है। अब इन चारों का योग कितना है, सवाल में लिखा हुआ है चारों का योग बेटा, तो चारों का योग देखो 3 और 1 से, तो 3 और 1 कट गया, 4x आ गया, क्लियर हो गया। अब इनके शर्त क्या दे रखी कि औसत से, इनके एवरेज से 30 अधिक है। अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो आप या तो पहली और आखिरी जोड़ का आधा कर दे, या इन दोनों के बीच की संख्या x होगी, इन दोनों के बीच की संख्या बेटा क्या होगी, तो एवरेज इनका x हो गया, x से 30 अधिक है। ये मामूली सा सवाल हो गया, बस x घटा लीजिए 4 में से, तो 3x बराबर आपका 30 आ गया, तो x बराबर आपका 10 आ गया, कितना आ गया बेटा, x बराबर आपका 10 आ गया। तो आपको निकालनी कौन सी, सबसे पहला, तो सबसे पहली संख्या हमारी क्या थी, x माइनस 3, अर्थात 10 में से 3 घटा दो तो बेटा आपका आंसर आएगा 7, तो सबसे पहली संख्या आपकी 7 है। ये सवाल था भाई, 17 नहीं है बेटा, 7 है। चलो जी, अच्छा कुछ बच्चे इसे विकल्प से भी कर सकते हैं, अगर मान लिया आप पे, भाई मैं आपको रास्ता ही तो बता रहा हूँ, अगर वे रास्ते पर चलोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है भाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई उन्हें x समझ में नहीं आता, वे बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं, जी x की थोड़ी पल्ले नहीं पड़ती, तो कोई बात नहीं बेटा, तो आप क्या करें, आप विकल्प ले लें। सबसे पहला नंबर 7 है, तो चार लगातार विषम संख्या इस आधार पर, तो इतना तो आप पे आना चाहिए कि चार लगातार होगी, 4, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये है बेटे में चार लगातार संख्या, क्लियर होगी यहाँ तक। अब ये देखिए इन चारों का योग कितना है, सवाल में कह रहा है, अब शर्त को तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चले, वो कह रहा है इन चारों का योग, तो बेटा आप कहोगे इन चारों का योग बेटा हमारा कितना हो गया, 40, कितना हो गया, 40, चारों का योग कितना हो गया, 40, इन चारों का योग इनके एवरेज से, तो आप एवरेज निकाल लो, एवरेज बीच की संख्या होती है, 9 और 11 के बीच में एवरेज कितना हो गया, 10, एवरेज से 30 अधिक, तो 10 से 30 अधिक देखो बराबर हो गया, यू भी 40 और 10 से 30 अधिक भी 40 हो, तो आप विकल्प से भी बहुत सारे क्वेश्चन तोड़ सकते हो। तो यही रूटीन हमारा 15 दिन तक जारी रहेगा, जो बच्चा इसे लगातार देखता रहेगा उसके बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक ये आयु से रिलेटेड है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बेटा आ सकता है, पहले कुछ सिंपल है, फिर टॉप क्वेश्चन है, सब टाइप के क्वेश्चन है भाई। 5 साल पहले पी क्यू आर का एवरेज 25 साल था,
सात साल पहले क्यों आर का एवरेज 20 साल था, पी की वर्तमान आयु क्या है? बहुत गजब सवाल है, आयु का क्वेश्चन आएगा, बहुत गजब सवाल आएंगे बच्चों, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़े भाई। चलो बेटा आप ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा मेरे भाई। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, अब देखिए 5 साल पहले का एवरेज 25 था तो वर्तमान योग कितना हो गया? तो आप प्रेजेंट का देखिए बेटा, 5 साल पहले का क्या करना आपको, प्रेजेंट में तीनों का योग कितना हो गया? तो आप कहोगे जी, आप ध्यान दीजिए, 5 साल पहले 25 एवरेज था तो वर्तमान में 30 हो गया, 25 और 5 30 एवरेज हुआ, लेकिन कैंडिडेट 3 है, 3 से गुणा कर दो, 30 दिया 90, वर्तमान तीनों का योग हमारा 90 है। यहां तक आपको समझना पड़ेगा, 25 तो था एवरेज 5 साल पहले, 5 और जोड़ दो 25 में कितना हो गया 30, ये वर्तमान का हो गया, और कैंडिडेट कितने हैं, 3 जने हैं, 3 से गुणा कर दो। अब 7 साल पहले क्यों और आर का एवरेज, तो क्यों और आर का एवरेज 7 साल पहले बेटा 20 था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 27। आज से 7 साल पहले 20 था तो अब तो 27 हो गया, आदमी कितने हैं, ये 2 हैं, तो 27 दूनी कितना हो गया 54। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, उत्तर आ गया। पी का वजन पूछ रहा है, पी का वर्तमान, तो बेटा जब इन्हें काट दोगे आप तो पी का वजन बचेगा, तो इसमें से भी घटा दीजिए तो आपका बचेगा बेटा हमारा 36, तो पी की वर्तमान आयु बेटा हमारा 36 है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इन सवालों में लाजवाब है बिल्कुल, मैं तरीका जो बता रहा हूं बस उस पर ध्यान दीजिए। इस सवाल को देखते रहें, समझते रहें। ये देखिए बेटा, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है? जो एक शर्त दे दी इसने, कभी 100 और 200 का ही निकाल दो, वो कह रहा है जो 13 से पूरी पूरी तरह भाग देने पर कट जाए, जो 13 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, 100 और 200 के बीच उनका एवरेज क्या है? तो आप सबसे पहली ले लो 13 से कटने वाली 100 के आसपास, और फिर सबसे बाद की ले लो, सबसे पहली और सबसे बाद की ले लो, तो 13 से कटने वाली 13 8 104 कटती है। ये तो समझ में आता होगा आपके भाई, 100 तो कटता नहीं, 13 से 104 कटता है 100 के बाद, और 200 तो कटता नहीं, 200 से पहली कौन सी कटती है, क्योंकि 200 के बाद नहीं जा सकते आप, बीच में कह रहा है वो, तो 200 के बाद भी नहीं जा सकते, तो 200 के आसपास कौन सी है जो 13 से कटती है? तो बेटा आप कहोगे जी 13 एकम 13 बच गया हमारे, 7 हो गए 70 13 5 65, अर्थात 5 ज्यादा है इसमें, 5 बचे ना ये ज्यादा हैं, तो 195 कहोगे जी आपकी कटती होगी। तो सबसे बाद की कौन सी कटती है बेटा 195, सबसे पहली 104। अब हमें इनका क्या निकालना, औसत निकालना बेटा, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, आप जोड़ के 2 से भाग दे देते हो, क्योंकि ये संख्या केवल 2 है, तो बेटा आप इन्हें जोड़ लीजिए आसानी से, 5 और 4 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये 2 299, कोई दिक्कत तो नहीं, और 2 से भाग दे दो, तो 2 एकम 2 2 चौक 8 2 9 18 2 5 10 149.5 डी विकल्प आपका सही है। ठीक है बालको, आ रहा है आपके समझ में, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताओ। चलो बेटा आगे बढ़ जाओ, 14वां क्वेश्चन, कुछ बीच में छूट गए थे मैं उन्हें भी ले लूँगा, इस सवाल को करिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस सवाल को करिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। पहली 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? आप सवाल को समझे जरूर, इन 15 दिनों में बेटा आपका कैरियर आपके हाथ में है, आपका जीवन आपके हाथ में है बेटा, जो ध्यान से सुन रहा समझ रहा वो बहुत कुछ लेकर जाएगा। 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? तो बेटा आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले आप इस सवाल में कुछ नहीं कर सकते, यू ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें फॉर्मूला लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सिग्मा एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला, अर्थात वर्गों का, यू सिग्मा दर्शाता है योग को, इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन एन प्लस वन और 2n+1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला होता है, ये योग का फॉर्मूला है,
चूंकि मुझे हमें निकालना क्या है बच्चों, औसत, तो आप एक एन यहां से हटा दीजिए, तो अब औसत का फॉर्मूला हो गया। योग में से आप एक एन हटा देंगे तो आपको एवरेज का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब बेटे अब यहाँ एन की जगह क्या लिखना है, तो एन बराबर आपको 19 लिखना है। ये बहुत काम का है बच्चों, जिसमें बच्चे फेल होंगे मैं वे चीज आपको पढ़ा रहा हूं। एन की जगह बेटा क्या ले लोगे आप, 19, तो 19 अरे कितना हो गया, आप कहोगे जी 20 हो गया, और 19 दूनी 38 अरे कितना हो गया बेटा, आप कहोगे जी 39 हो गया, और किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे। क्लियर हो गया, या तो पहले गुणा कर लो या काट लो। तो 39 दूनी कितना होता है बेटा, आप कहोगे 78, 780। अब 6 से भाग दे दो, 13 6 78 130 आ जाएगा। तो मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस सवाल में इस बात की कीमत है, जिसके याद होगा तो बेटा हो जाएगा। जरूरी नहीं है एग्जाम में 19 आए, 19 से अलग कुछ और आ सकता है। तो आप ये फॉर्मूले की कीमत याद रखें बस। बेटा इस सवाल को देखिए, पांच कर्मागत संख्या है। देखिए कर्मागत यू जो आता है सक्सेसिव लगातार वाला, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है गणित में। कर्मागत लगातार, उनका एवरेज ए है। अगली तीन संख्या और ले लें तो नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। तो बेटा आपको ये देखना है कि आपको या तो आप कोई भी तीन पांच लगातार ले लो, उसमें तीन ऐड करके देख लो, या बस फिर डायरेक्ट रटोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्ट रटने में क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट रटने में क्या होता है कि वो संख्या मान लिया तीन की जगह कुछ और बदल दे, पाँच की जगह कुछ और कह दे, और संख्याओं के साथ साथ वो सम संख्या कह दे, विषम संख्या बोल दे, तो उसमें बच्चे को बहुत दिक्कत आती है, वो फेल हो सकता है। क्योंकि इसी क्वेश्चन को 7-8 तरीके से बनाया जा सकता है। इस संख्या में पाँच को बदला जा सकता है, अगले तीन को बदला जा सकता है, यहाँ सम संख्या विषम संख्या ली जा सकती है, तो तब दिक्कत होती है। तो आपके लिए बच्चों एक ही सलाह है सबसे बढ़िया, वो सलाह बेटा क्या है कि आप कर्मागत संख्या कोई भी उठा लीजिए, कोई भी, शुरुआत से ले लो या बीच में से, लगातार वाली। देखिए बेटा अगर मान लिया हमने पांच कर्मागत कोई भी संख्या ले ली यहाँ से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बेटा आप ये कहोगे जी इनका औसत ज्ञात करके दिखाओ, तो बेटा हमेशा इनका औसत बीच की संख्या होती है, इनका औसत हो गया 3, जिसे सवाल वाला ए कह रहा है, कोई बात नहीं। औसत कितना हो गया बेटा इनका, 3। अब ये कह रहा अगली तीन संख्या और ले लो, 1 2 3 4 5, ये तो थी हमारे पास, नेक्स्ट 3 नंबर और ले लो, 6 7 8, ठीक है बेटा। अब एवरेज कितना होगा, तो अब बीच का तो बने नहीं, इसमें पहला आखिरी जोड़ लो, 1 + 8, और 2 से भाग दे लो, तो ये हो कितना हो गया बेटा, 4.5। कितना हो गया अब, 4.5। अब ये देखो इस पहले वाली संख्या से कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे 3 से 4.5 हो गया जी, 1.5 बढ़ गया, तो आप ए में भी 1 + 0.5 कर दोगे, आंसर हो गया जी बच्चों ये। अब रही बात दूसरी, अगर कोई टीचर आपको रटवाता है तो वो नॉलेज मुझे भी है बच्चों कि जब भी तीन संख्या आएगी और वो कर्मागत संख्या हो, धन पूर्णांक हो, प्राकृत हो, तो जितनी भी यहाँ संख्या देगा उसका आधा करना है। यहाँ 3 है तो 3 का आधा 1.5 जुड़ेगा, 4 होती तो 4 का आधा 2 जुड़ता, 5 होती तो 2.5 जुड़ता बेटा, 2 जुड़ती तो 1 जुड़ता, वो आप अब रट सकते हो। लेकिन मेरा सिद्धांत ये है कि आपको गणित सिखाया जाए। चलो बेटा यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप इसे ध्यान दीजिए बेटा। YouTube पे जिस भी बच्चे को पढ़ना सीखना है तो उसे ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसे आंसर देने से बजाय उसे ध्यान से सुने, अगर वो YouTube से सुनना चाहता है, ऑनलाइन सीखना चाहता है, तो चीज़ों को ध्यान से सुने। ऑफलाइन में टीचर कई कई बार दोहराता है, कई कई उदाहरण देता है, लेकिन ऑनलाइन का थोड़ा अलग होता है बेटा, उसमें बच्चे को सुनना ही पड़ेगा। 6 विषम संख्या है, उनका एवरेज ज्ञात करें जो प्रत्येक 7 से विभाजित है। अब इस सवाल में पहली 6 विषम संख्या का औसत ज्ञात करना। अगर बेटा आप इस बात को ध्यान दें, अगर बेटा इस सवाल में ये लाइन ना होती, बस इतना सवाल होता, पहली 6 विषम संख्या का औसत बताओ, तो पहली 6 संख्या का विषम संख्या का औसत उत्तर 6 ही आ जाता। क्या आ जाता,
अक्ष हैं, जितनी संख्या उतना ही एवरेज आ जाता, क्लियर है। लेकिन इस सवाल में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया बच्चों, इस सवाल में एक्स्ट्रा क्या दे दिया कि जो सात से कट जाए वो एग्जाम में सेवन के बजाय कुछ और डाटा दे सकता है बेटा। तो आप यहां ध्यान दीजिए, तो सात से कट जाए तो बेटा आप ये देख लो, पहली छह विषम संख्या का एवरेज जो सात से कट जाए तो सात एकन सात आप यहां से ले होंगे, ये विषम संख्या है। फिर सात दूनी चौदह नहीं ले सकते बेटा आप, क्योंकि ये सम संख्या हो जाएगी। आप ये फोर्टीन नहीं ले सकते बेटा आप ये चौदह नहीं ले सकते, तो सात या इक्कीस ऐसे लोगे, सात पंजे पैंतीस। आप विषम में ही गुणा करोगे इसकी, देखिए एक तीन पाँच सात नौ, इस तरह से छह संख्या लेनी है तो ग्यारह, इस तरह से। तो सात एकन सात, सात या इक्कीस, सात पंजे पैंतीस, सात सते उनचास, सात नम तिरसठ, सात ग्यारह सतहत्तर, ये बेटा आपकी पहली छः होगी, ये आपकी पहली छह विषम संख्या होगी जो सात से पूरी कटती है। अब मेरे बच्चों आपको इसका एवरेज निकालना है, तो लगातार वाली है तो आप पहला और आखिरी ले लो और केवल दो से डिवाइड कर दो, बस केवल दो से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इनका योग हो गया चौरासी, दो से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ गया 42। तो किसी भी बच्चे को इस थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताए, मुझे समझाए, कहीं भी कोई दिक्कत है, ठीक है मेरे भाई, कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर बताएं। नमस्ते भाइयों, सभी भाइयों का नमस्कार, जय हिंद। जल्दी जल्दी क्लास लीजिए, पढ़िए भाई, क्लास को लाइक करें सबसे पहले और उसके बाद पढ़ना शुरू करिए और गहरे ध्यान से जुड़ जाइए सभी भाई। करिए बेटा करिए, इस सवाल को करिए, ये थोड़ी देर पहले अभी पढ़ाया था बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, करिए बेटा। 42 और 28 स्टूडेंट हैं, 42 वालों का एवरेज 25 है और 28 वालों का एवरेज 40 है, सभी का एवरेज पूछा है, सभी का एवरेज पूछा है बेटा, करिए बेटा करिए जल्दी जल्दी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए पहले ध्यान दीजिए, बच्चों की संख्या सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा, बच्चों की संख्या 42 है और 28 है, ठीक है, और 42 वालों का जो एवरेज है वो बेटा आपका 25 है और जो 28 वालों का एवरेज है वो बेटा 40 है। आप एवरेज को कभी ना काटे, एलिगेशन से भी कर सकते हो, मैं एक शॉर्ट सिस्टम बता रहा हूं, आप इन्हें काट दे, 14 दूनी 28, 14 थी 42, बस। अब आप 42 और 28 छोड़ दो, ये कहो तीन संख्याओं का एवरेज 25 है तो योग कितना होगा। एवरेज होता है एक संख्या की वैल्यू, एक संख्या की 25 है तो तीन संख्या की 75 होगी, और बेटा यहाँ एक संख्या की वैल्यू 40 है तो दो संख्या की 80 होगी, तो ये सबका योग आ गया। अब इसे भाग दे दीजिए टोटल संख्या तीन और दो पाँच से, पाँच से भाग दे दो उत्तर आ जाएगा, ये सबसे सरल तरीका बनेगा आपके जीवन में, एलिगेशन भी हार्ड बनाएगा इससे, ये सबसे सरल है देखो। तो आप ये कहोगे 8, 7, 15 155 हो गया और 155 को 5 से डिवाइड कर दो तो बेटा हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आंसर। इस तरह से देख कितना सरल बना ये, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, जो भी पढ़ा रहा हूँ एवरेज इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, बस आप ध्यान से सुन लीजिए, किसी के बहकावे में आके कोई उत्तर ना देने की बजाय आप प्लीज़ उस पर मेहनत करिए, मेथड पे सबसे शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, इससे शॉर्ट आप कर नहीं सकते, आप इसे एलिगेशन से करोगे पर अनुपात में अड़ जाओगे, फिर बांटोगे उसका अंतर करोगे, ये मसला है। 18वां क्वेश्चन बच्चों देखिए बेटा, इस सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं मसला क्या है, बहुत ईजी सवाल है। x संख्याओं का देखिए बेटा, यहां संख्या दे रखी है, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वही है, संख्या हमारी x है और y है, हमारी x संख्याएं हैं और y संख्या है, सबसे पहले आपने संख्या लिख ली, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है। इनका एवरेज भी दे रखा है बच्चों, इनका एवरेज भी अलग अलग दे रखा है, x वालों का भी और y वालों का भी। x वालों का एवरेज कितना है y स्क्वायर और y वालों का एवरेज कितना है x स्क्वायर। अब आप योग निकाल लीजिए,
एक संख्या का वाई स्क्वायर है तो एक्स संख्या का हो गया एक्स वाई स्क्वायर, गुणा कर ली जैसे बच्चों हमने पिछले क्वेश्चन में, यहाँ करा 25 थी 75, 40 दुनिया 80 और संख्याओं से भाग दे दिया था 3, 2, 5 से, सेम टू सेम है यू। एक संख्या का एक्स स्क्वायर तो वाई संख्या का हो गया बेटा एक्स स्क्वायर वाई, गुणा कर ले। अब यू सबका योग हो गया, सभी संख्याओं का टोटल संख्या कितनी है बेटा, एक्स और वाई जोड़ लो एक्स प्लस वाई, ये हमारा हो गया संख्या, कुल संख्या। जब ऊपर योग और नीचे संख्या हो तभी औसत निकलता है, सभी का एवरेज तभी निकलता है। तो बेटा आप ऊपर एक्स वाई कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, आप कहोगे जी वाई बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा तो आप कहोगे जी एक्स बचेगा, और नीचे भी एक्स प्लस वाई है तो बेटा आप देखोगे तो एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, तो आंसर केवल एक्स वाई आया आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका आंसर कितना है बच्चों, बी ऑप्शन है। तो इसे डायरेक्ट वैसे भी रटा जा सकता है इस सवाल को, इस सवाल को डायरेक्ट वैसे भी रटा जा सकता है, ये जो का तो आता है, जो ये पिछला सवाल कराया ना बच्चों जो का तो ही आता है, इसमें डाटा नहीं बदलता एक्स वाई का इस टाइप का, इसे तो आप वैसे भी देख सकते हो। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट अगला सवाल पढ़ो और करो। प्रणाम पिंकी, गोविंद कुमार, विजय कुमार, राठी जी, ऋषभ त्यागी, प्रिया, मोहित, पूजा, शोराण, बच्चों सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, कैसे हो आप, सतीश कहाँ हो बच्चों, मॉनिटर साहब नहीं आए आज, विजय कुमार नमस्ते भाई, नमस्ते, ठीक ठाक हो, आज तो बजट पेश कर दिया, बताओ कितना अच्छा बजट था या ख़राब था, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, ख़राब बताओगे है ना या अच्छा बताओगे, जल्दी बताओ। आज बजट पेश हुआ है दोस्तों, किसने पेश किया, वित्त मंत्री कौन है, अच्छा जी कौन सा बजट पेश किया उन्होंने, पांचवा, छठा, सातवा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, तो लगे रहो। आय में छूट कितनी दी है, कितने सैलरी तक है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं आज के बजट का, वो आपको अच्छा लगो ना लगो लेकिन क्वेश्चन तो आएगा, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चों। तो आपको बजट कैसा लगा इसे छोड़ दीजिए, बस आप उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कितने करोड़ आय व्यय का ब्यौरा दिया इसने, कितना मतलब इसमें नुकसान हुआ, क्या घाटा रहा, कितना कहाँ खर्च किया जाएगा, क्या क्या योजना निकाली गई है बच्चों, तो ये कुछ चीज़ें हैं बजट के बारे में। तो बेटा प्लीज़ आप ये बजट के कुछ क्वेश्चन आज ही मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, कोई मैगजीन में भी या कोई उसमें भी कहीं भी, आज ये जो ताज़ा ताज़ा बजट आया, और बच्चों रेलवे की भी भर्ती और भी आ चुकी है उस पर भी आप सभी भाई थोड़ा ध्यान दें, पढ़ें रेलवे की भर्ती के लिए। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं ना करंट अफेयर्स की, जो राष्ट्रीय परिवेश है, ये बहुत महत्व रखे एग्जाम में, तो आप इन पर फोकस करें। ठीक है मेरे भाई, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 साल है, पुरुषों की औसत आयु, सभी की औसत है, इसका मतलब सभी की औसत तो है 30, जिसमें पुरुष की औसत है 34 और महिला की एवरेज है 26, तो ये कह रहा है पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, तो बेटा एलिगेशन से अच्छा रहेगा ये। तो एक तरफ आप पुरुषों का एवरेज लिख लीजिए और एक तरफ आप महिला का, आप इसे मिश्रण से कर दीजिए, पुरुषों का बेटा 34 है एवरेज और महिला की बेटा 26 है, और सभी की कितनी है मेरे भाई, सभी की है 30 साल, सभी की कितनी है बेटा 30 साल। ठीक है, अब आप इन्हें घटा दीजिए तो यहां कितना बचा 4 और यहां कितना बचा 4, तो इसका मतलब पुरुष और महिला बराबर बराबर हैं, 1:1 भी कह सकते हो, बराबर बराबर का मतलब 50% पुरुष है, 50% महिला है, 50-50 है, क्लियर बच्चों, तो ये 50-50 है। पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई, आप क्या कर रहे हो आजकल ये भी नहीं बताते, अब तो आप ध्यान दीजिए इस सवाल को, देखिए 20वां क्वेश्चन है बेटा, फटाफट उड़ा दीजिए, उड़ाओ बेटा उड़ाओ। एक गेंदबाज का एवरेज 12.4 है, वह गेंदबाजी का औसत 0.2 सुधारता है, अंतिम मैच में 26 रन पर 5 विकेट लेता है, अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या उसकी क्या थी, ये सवाल पूछा है।
तो बेटा आप गौर करें कैसे इस सवाल को किया जाएगा, आप ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट सवाल है, सभी भाई इसे ध्यान से देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे ध्यान से देखें। इसे भी आप मिश्रण के मेथड से कर सकते हो बेटा। उसका पहला एवरेज क्या था? आप कहोगे जी सवाल में लिख रहा है, तो हमने देख लिया बेटा 12.4 था पहला एवरेज। उसका बेटा नया एवरेज क्या है? अब बेटा ये सब बताओ, नया एवरेज क्या है, बता सकता है कोई स्टूडेंट? कोई कोई स्टूडेंट बता सकता है कि नया एवरेज जी 26 रन पे 5 विकेट है, तो 26 को 5 से भाग दे दिया तो 5.2 उसका नया एवरेज है। कितना है बेटा नया एवरेज? 5.2 है उसका नया एवरेज बेटा, 5.2 है। अगर वो इस पारी को इस पारी में शामिल करता है तो सवाल में लिखा हुआ है बेटा कि 0.2 वो सुधर जाता है। अब आपको ये जरूर पता होगा, कुछ जानकार भाई हैं उन्हें पता होगा कि बॉलर का जो एवरेज सुधारना हो तो वो कम करके सुधरता है। बॉलर का जितना कम एवरेज करोगे वो सुधरेगा, और बैट्समैन का जितना बढ़ाओगे तब सुधरेगा। तो इसका मतलब 0.2 कम कर दीजिए 12.4 में से, तो ये हो जाएगा 12.2 हो जाएगा। 0.2 हमने इसमें से कम कर दिया, सुधर गया ये। अब इसे घटाओ तो 0.2 बचेगा, और इन दोनों को घटाओ तो ये आपका 7 बचेगा, है ना बच्चों? 7 ही तो बचेगा। और अब आपका एवरेज ये आ गया 7:0.2। तो आप दशमलव हटा के इधर जीरो लगा सकते हो 70 और 2, और काट भी सकते हो, अनुपात बना सकते हो 1 और ये 35 35 दूनी 70। इससे हमें ये पता लगा अगर उसका नया विकेट 1 था तो पहले विकेट 35 थे, अगर नया विकेट 1 है तो पहले 35 थे, लेकिन बेटा नए 5 थे। नए विकेट कितने थे बेटा? तो 5 विकेट थे नए मेरे भाई। तो 1 का 35 गुणा, तो 5 का भी 35 गुणा कर दीजिए, 5×5=25 और 5×15=17। तो इसका मतलब उसके पहले विकेट 175 थे। पूछ क्या रहा है? पहले लिए गए अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या तो बेटा 175 है, 175 है। ये जो का तो क्वेश्चन भी आ सकता है, एसएससी के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बेटा, तो उन क्वेश्चन पे आप जरूर विशेष ध्यान दें, ठीक है बेटा? तो अब इस सवाल को देखिए, थोड़ा अलग है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ये भी ट्रेंड में चलता रहे बेटा, क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं ये सवाल, ये जो के तो एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है या किसी भी भर्ती आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कुछ सवाल। एक खिलाड़ी का 8 पारियों में कोई रन औसत था, कोई का मतलब सवाल में दिया नहीं भाई पहले क्या था। 9वीं पारी में 100 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 9 बढ़ जाता है, तो ये पूछा है उसने 9वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या है। ये बहुत ट्रेंडिंग में रहे क्वेश्चन, सच में विश्वास करें बच्चों। तो आप देखो अगर शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो ऐसा करिए, 9 पारी में, कितनी पारी? 9 पारी में, और 9 का एवरेज बढ़ा, 9 पारी में 9 का ही एवरेज बढ़ गया, संख्या है 9, एवरेज बढ़ा 9, तो 9×9=81, अर्थात उसके 81 रनों की वृद्धि हुई। उसके रनों में वृद्धि कितनी हुई बस ये देख लीजिए, 9×9=81 रनों की वृद्धि हुई, इन 100 रन बनाने से 81 की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब उसके पहले कितने थे बस ये देख लीजिए। तो आप 100 में से 81 घटा दो, पहले 19 थे, पहले कितना था? 19 एवरेज था। तो पूछ क्या रहा? उसकी 9वीं पारी के बाद पूछ रहा है, अर्थात बाद में कितना एवरेज हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 19 में 9 की वृद्धि हुई, 19×9=28, अर्थात उसका बाद का एवरेज 28 हो गया। इस सवाल को सोचिए, किसी भी तरह से करिए, समझिए, ये है बेटा। इसे डिटेल से कराने तो टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन आप एक बार और सुन लो, पारी होगी 9, वृद्धि होगी एवरेज में 9 की, देखो एवरेज में है वृद्धि, तो 9×9=81 रनों की वृद्धि हुई 100 रन बनाने से, तो 100 रन में से 81 घटा दो, तो इसका मतलब उसके पहले 19 थे, और 19 में ये पूछ रहा है 9वीं पारी के बाद, ये तो 8वीं पारी का है बेटा, तो 9वीं पारी के बाद 9 और जोड़ दो 28। देखो एक सवाल और देखो इस टाइप कर, जल्दी बताओ सभी भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, एक और जल्दी बताओ। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ गया, तो 17 पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करिए।
सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा। तो आप कहोगे जी सत्रहवीं पारी में 87 रन बनाए, औसत बढ़ा 3 का, तो इसका मतलब उसके रन कितने बढ़े, रन में वृद्धि कितनी हुई। तो आप कहोगे जी एक पारी में 3 बढ़ते हैं तो 17 पारी में 17 * 3 = 51, 17 * 3 = 51 रन बढ़े जी उसके, रनों में वृद्धि 17 * 3 = 51 की हुई, 87 में से 51 रनों की वृद्धि हुई। तो पहले कितने थे मेरे बच्चे, तो पहले थे 87 में से 51 घटा दो तो बेटा आप कहोगे 36, पहले कितने थे बेटा 36, पहले कितने थे बेटा 36। तो अब हमें बाद का औसत निकालना, देखो ये लिख रहा बाद में कितना हो गया, तो बाद में एवरेज कितना हो गया बेटा, तो इस 36 में 3 की वृद्धि और कर दो जो एवरेज बढ़ा, तो 3 की वृद्धि करते ही नया एवरेज उसका कितना हो जाएगा बेटा 39। बस इतना करना है इन क्वेश्चन में, बस इन क्वेश्चन में बेटा केवल इतना करना है। 23वां क्वेश्चन तोड़ दो बेटा अभी से। 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, जिनका औसत खर्च 120 रुपये है, एक लड़के का 150 है, तो एक लड़की का औसत कितना होगा, ये सवाल में पूछा, ये सवाल में पूछा है बेटा। तो देखिए 4 लड़के, 4 तो बॉय हैं और 3 गर्ल हैं, उन सब का एवरेज 120 है, एवरेज कितना है 120, तो 7 की गुणा करनी पड़ेगी या नहीं, एवरेज तो एक ही बच्चे का तो होता है ना बच्चों, ये तो पता होगा आपको, एवरेज किसका होता है एक बच्चे का, एवरेज किसका होता है बेटा एक बच्चे का, तो एक बच्चे के 120 है, तो ये बच्चे कितने हैं 4 और 3 = 7, 7 बच्चों का टोटल खर्च आ गया ये। अब सवाल में बोल रहा एक लड़के का 150 रुपये है, तो एक लड़के का 150 है, तो 4 लड़कों का कितना हो गया 4 × 150 प्लस 3 लड़की का बच जाएगा बस, तो 12 × 7 = 84, 840 में से आप ये 600 रुपये घटा दो, 840 में से 600 रुपये घटा दो, 3 लड़कियों का बच जाएगा, 840 में से 600 घटा दो तो 240 बचेगा, और 3 से भाग दे दो तो एक लड़की का आ जाएगा, तो आप कहोगे जी एक लड़की ने 80 रुपये खर्च करे बस, एक लड़की ने 3 × 8 = 24 केवल 80 रुपये खर्च करे, कम करे लड़की खर्च, लड़के ज़्यादा कर रहे, लड़के ज़्यादा खर्च कर रहे हैं बेटा, शाबाश बेटा वेल डन। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, इसे देखिए सवाल में बोल रहा है 24वां क्वेश्चन है बेटा, 0 से 2 से 4 से बनने वाली सबसे बड़ी, वृहत्तम का मतलब होता है बड़ी और लघुत्तम का मतलब होता है छोटी, 3 अंकों की संख्या का औसत क्या है, इन अंकों से बनने वाली जो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी है उसका एवरेज बताना। तो जब आप बड़ी संख्या लिखोगे बेटा तो तब बड़ी अंक पहले लिखोगे, बड़ा अंक 4 उसके बाद 2 उसके बाद 0, 420 बन गया, क्या बन गया बच्चों 420, सबसे बड़ी क्या होगी 420। अब छोटी संख्या बनाओ, छोटी संख्या बनाते समय बस ये ध्यान रखना 0 शुरुआत में नहीं लिख सकते आप, 0 शुरुआत में लिख दी तो गलत हो जाएगा क्योंकि फिर 2 ही अंकों की बनेगी, तो आप पहले 0 से जो बड़ा अंक है वो लेंगे 2। अब हमें इसका औसत निकालना, तो उम्मीद करता हूँ सबके मजे आगे होंगे, औसत बराबर इनका जोड़ बटे संख्या, जोड़ के संख्या 2 ही है, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसे जोड़वा भी दो, 624 हो गए और 2 से भाग दे दो तो 312 इनका एवरेज आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी भाई को हो तो आप बता दीजिए, 312। आशीष तोमर क्या हो रहा आज, बढ़ के नहीं चल रहा, सारे उत्तर गलत लगा रहा है आशीष, 222 लगा रहा है भाई, क्या हो रहा, तो बढ़ के चलक रहे रोज, तेरी थोड़ी है बढ़ के चलो, आज लड़का आ रहा है क्या, अरे क्लास में ना धोखा आया करो बच्चों, वैसे ही आ जाओ यार, दिमाग ठीक रहेगा तब आप सही जवाब दोगे। चलो बेटा इस सवाल को सोचिए समझिए और कर दीजिए, 113 / 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो बेटा बस पहली 113 ले लो और 159 ले लो, ये ऑलरेडी विषम ही संख्या है, जोड़ के 2 से भाग दे दो, आ गया जी औसत,
इस घटिया काम को कहते हैं औसत। ये होता है बच्चों सबसे छोटी 100। देखो यहां विषम संख्या ले रहा है वो, तो ये विषम ही है ऑलरेडी, दो से कटती ही नहीं, ओड ही नंबर है बच्चे। तो अब आप इन्हें जुड़वा भी दो बेटा, 9 और 3 12 हो गया हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, 1 और 1 2 272, 2 से भाग दे दो तो 136 आएगा क्या मेरे भाई? अरे बता दो भाई इस सवाल का आंसर 136 है क्या? पर दोस्तों आपसे एक शिकायत है, अब भी क्लास लाइक नहीं कर रहे। मैं 15 दिन 15 चैप्टर कराऊंगा, इतने इंपोर्टेंट कराऊंगा, अभी तो शर्मा जाओ बच्चों। अरे भाई ऐसा ना करो यार, 15 दिन 15 गणित के चैप्टर कराऊंगा तो अब तो मेरे भाई ये गजब है भाई। कुछ बच्चे इस सवाल के इंतजार में थे, कुछ बच्चे इस सवाल के काफी देर से इंतजार में थे, उन्होंने मैसेज किया था सर ये सवाल ले लियो। बच्चों आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कौन से सवाल लेने हैं, आप वे सवाल मेरे पास भेज भी सकते हो, उस टॉपिक को मुझे सजेस्ट करा सकते हो जो टॉपिक आपको हार्ड लगता हो पढ़ना है। देख टीचर हूँ हाथ जोड़ के फिर भी कह रहा हूँ बच्चों कि आप मुझे वे टॉपिक भेज दो, ऐसा इस धरती पर कोई नहीं कहेगा बच्चों, लेकिन आप मेरे क्षेत्र के मेरे अपने बच्चे हो तो मैं आपके फायदा चाहता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पे, मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख दूँ बच्चों यहाँ 97-59-44-62-15, जो आपको हार्ड हार्ड टॉपिक लगते हैं वे मेरे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भेज दो या टॉपिक बता दो, वो टॉपिक बेटा मैं आपको करा दूंगा, जरूर निश्चित रूप से करा दूंगा बेटा, हर हाल में करा दूंगा, ठीक है भाई? तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हो। क्या आपको अच्छा सुनाई दे रहा भाई? चलो बेटा अब आप इस सवाल को देखिए, सोमवार बुधवार और शुक्रवार, अरे मंगल कहाँ छोड़ दिया इन्होंने, कोई बात नहीं ध्यान दीजिए बेटा, सवाल ये है सोमवार है प्लस बुधवार है, प्लस क्यों लिख रहे हैं हम जोड़ेंगे, सोमवार बुधवार और शुक्रवार का टोटल टेम्परेचर कितना है? 41 तो एवरेज था, 41 गुणा 3 कर दो, ये हो गया टोटल, औसत में 3 से गुणा कर दो क्योंकि 3 दिन है बच्चों। अब बुध बृहस्पति शुक्र, बुध का दे दिया प्लस बृहस्पति का दे दिया प्लस शुक्र का दे दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बुध बृहस्पति और शुक्र का है 42, बुधवार का बृहस्पतिवार का शुक्रवार का है बेटा 42, यहां भी 3 से गुणा कर लो बेटा, 3 से इसलिए क्योंकि ये 3 दिन है। बृहस्पतिवार का 43 दिया, सोमवार का पूछा है मेरे बच्चों, तो देखो आप अगर आप इन्हें घटा दोगे तो आप ये कहोगे जी ठीक है बुध से बुध कट गया शुक्र से शुक्र कट गया, तो हमारा बचेगा केवल सोमवार और माइनस बृहस्पतिवार, चूंकि ऊपर प्लस का है और नीचे बृहस्पतिवार माइनस का है तो यहां से क्या बचा, तो आप कहोगे जी माइनस का 3 बचा, कितना बचा बेटा माइनस का 3 बचा। अब यहां से आप क्या करोगे, क्योंकि माइनस का था इसलिए माइनस का 3 बचा, तो अब क्या करोगे बृहस्पतिवार का 43 डिग्री लिख दोगे यहां 43 डिग्री, तो सोमवार माइनस 43, सोमवार माइनस 43 बराबर माइनस का 3। बता बच्चों को मारने का प्रयास करे, इतना टेम्परेचर हुआ करे, तो ये माइनस का 43 इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस के तो 43 माइनस का 3 बरकरार रहेगा तो उत्तर आएगा 40 डिग्री। उत्तर क्या आएगा बेटा 40 डिग्री, डी ऑप्शन सही है। क्या किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम है भाई? अरे किसी जादूगर को कोई प्रॉब्लम है? जुखाम का दिमाग से क्या संबंध है आशीष भाई? जुखाम हो रहा नाक में हो रहा तेरे, उसका दिमाग से क्या संबंध है? रे वाह कर लो बात, आज तबीयत ठीक नहीं है। आशीष तोमर बरवाड़ा कह रहा है आज तबीयत ठीक नहीं है, जुखाम हो रहा है। अरे नाक में रुई दे ले छुट्टी, दिमाग बिल्कुल फिट काम करेगा, दिमाग से क्या संबंध है जुखाम का? चलो बेटा इस सवाल को तोड़ दीजिए। समूह में ए में 7 संख्या है, इन संख्याओं का औसत 41 है। बी में 5 संख्या है, इनका औसत 44 है। भाई पक्का आएगा, मैं ऐसे 2-3 सवाल करा चुका हूँ बेटा, इसे ठोक दो, डेली एक चैप्टर कराऊंगा, आज औसत का नंबर है।
मेरे सारे चैप्टर करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट 15 चैप्टर है उसमें से सवाल आएंगे। अगर 30 सवाल आते हैं तो कम से कम 25 क्वेश्चन इस 15 चैप्टर में से आऊंगे सच में जो मैं ये कराऊंगा, विश्वास करिए। सात संख्या है बेटा तो सात संख्या का औसत 41 है और 20 समूह में पांच संख्या है, पांच संख्या का 44 है, ये सबसे आसान पड़ेगा। देखिए बेटा ये तो थी हमारी संख्या और मेरे बच्चों ये है हमारा एवरेज। एवरेज एक संख्या की कीमत को कहें, एक संख्या की कीमत 41 तो सात संख्या की सात एकन सात, सात चौक 28, ठीक है बेटा। अब ये देख लो एक संख्या की कीमत को एवरेज कहें, एक संख्या की 44 है तो पांच संख्या की 220 होगी बच्चों। अब टोटल वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे जी सात, आठ और दो दस, दो और दो चार एक, 507 होगी जी टोटल। और संख्या कितनी होगी 12, सात और पांच टोटल संख्या 12, संख्या का टोटल योग हो गया तो 12 से भाग दे दो, 12 चौक 48 बच गए दो, हो गए 27, 12 दूनी 24 बच गए तीन, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 तो आएगा 42.25, 42.25 ये आएगा जरूर बच्चों इस टाइप के, आएगा जरूर बच्चों इस टाइप के सवाल। 28वां क्वेश्चन तोड़ दो बच्चों, ये भी आजकल बहुत ज्यादा हमें सारे टाइप के सवाल थे। देखो आपने पूरी क्लास देखी होगी बच्चों, एवरेज का आज पूरा चैप्टर में सब टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। 50 स्टूडेंट हैं उनमें से जिनका वजन 50 किलोग्राम है, औसत होना चाहिए यू। अच्छा एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है उसे ही औसत मान लेते हैं, जो जाएगा जो क्लास में तो जाएगा वही औसत मान लिया जाता है। नया विद्यार्थी आ जाता है जिसमें कक्षा का औसत आधा किलो बढ़ जाता है तो जो नया विद्यार्थी शामिल हुआ है उसका वजन ज्ञात करिए, ये पूछा है। तो इसके लिए आप बस तीन शब्द लिखें, जब भी ऐसा जब भी कोई भी क्लास में या समूह में कोई भी बच्चा एक आता है, कोई भी आता है उसके लिए तीन ही शब्द लिखने हैं, तीन ही संख्या लिखनी है और उसमें आपको केवल कैलकुलेशन देखनी, बस एक बार ध्यान दीजिए। अर्थात आप पहला औसत लिखोगे, पहला औसत या जाने वाला प्लस नई संख्या या कुल संख्या लिखोगे, कुल संख्या और गुणा औसत वृद्धि, जगह कम रहेगी बच्चों यह बात लिखने के लिए, वैसे आप समझ लो गुणा मैं यहां लिख दिया हूं, वृद्धि औसत वृद्धि बस उत्तर आ जाएगा, ये तीन शब्द लिखने हैं। तो बेटा पहला कौन था, 50 किलो का था जाने वाला, अब 50 बच्चों में से एक चला गया, एक आ गया, संख्या अब भी 50 ही है, औसत में कितनी वृद्धि हुई आधा किलो की, तो बस हल कर दो 50 प्लस दो से 50 काट दो 25, 50 25 75। बेटा आप एक बार ध्यान दीजिए इस बात पर जो मैं बोल ली है, जो मैं बोल रहा है उस पर विचार करके देखिए मेरे भाई, तब आप ये कहोगे हाँ इस टाइप के सब सवाल कर लेंगे, इस टाइप का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो इस सवाल को देखो, ये थोड़ा अलग है, इस सवाल को देखिए। तो डेली 30 क्वेश्चन लाऊंगा बच्चों में, हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन में सब टाइप के लाऊंगा, जितने भी टाइप है सब चैप्टर, ठीक है भाई। एक समूह में 20 पुरुषों का औसत 30 है, 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, समूह में से एक महिला शामिल हो जाती है, औसत आयु एक साल कम हो जाती है, महिला की उम्र कितनी है, ठीक है बच्चों। तो वही शॉर्ट ठोक दो इसमें भी, बिल्कुल सेम टू सेम वही लगा दो बच्चों, देखता हूं आप कर दोगे क्या। बिल्कुल देखिए बेटा एक बार ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, आप ध्यान दीजिए गौर करिए, 20 पुरुषों का औसत 30 है। अगर जिस बच्चे को उस टाइप में दिक्कत है तो आप डिटेल से भी कर सको, ठीक है बच्चों। अगर आपको उस शॉर्ट में दिक्कत हो रही तो डिटेल क्या है मेरे भाई, मैं आपको बार बार बता रहा, औसत कितना था 30, आदमी कितने थे 20, तो योग कितना हो गया 30 गुणा 20, सभी का योग बेटा ये हो गया, ये सभी का शुरुआत में योग था उम्र का, एक आदमी का 30 तो 20 आदमी का 30 गुणा 20 600, इसमें तो 50 साल का एक आदमी निकल गया, 50 साल का एक आदमी निकल गया और एक महिला प्लस होगी, एक महिला प्लस होगी, तो व्यक्तियों की संख्या अब भी 20 ही है, क्योंकि एक गया एक आ गया तो 20 तो अब भी व्यक्तियों की संख्या है, लेकिन उससे एवरेज एक कम हो गया, पहले एवरेज कितना था 30 तो अब एवरेज कितना हो गया 29,
30 में से एक कम कर दो तो 29 हो गया बेटा। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल भी, अगर मान लिया शॉर्ट याद ना रहे तो आप डिटेल से कर दो बेटा, तो आप ध्यान दीजिए, हल कर दो। अब तो कुछ भी नहीं बचा, 600 में से 50 घटा दो, 30 की 20 में 600, 600 में से 50 घटा दो 550, और 550 प्लस एम बचा बराबर 29 दूनी 58, 580, ये 550 580 में से घटाओ तो महिला आ जाएगी केवल 30 साल की। महिला कितने की आ जाएगी बेटा? 30 साल की। ये सवाल था, ठीक है बेटा। तो आपसे जो प्रॉमिस कर रखा है, 30वां क्वेश्चन है, 30, क्वेश्चन नंबर 30। इसे भी आप उसी शॉर्ट से लगा सकते हो बच्चों जो मैं आपको शॉर्ट पढ़ाया था। देखिए, यू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेल डन क्वेश्चन है। यू भी जितने भी 50 लाख जनसंख्या बैठेगी ना, उस 50 लाख में सब पढ़े लिखे बच्चे ही कर पाएंगे। उस 50 लाख में सब पढ़े लिखे नहीं जाएंगे, गधे घोड़े भी हैं, ठीक है बच्चों, खिचड़े भी हैं, उन पे नहीं होगा। यू सवाल उस पे ही होगा जो पढ़ा लिखा बच्चा है। देखो कैसे, वही शॉर्ट लगा दो बेटा, पहले पहले की जगह यहाँ जाने वाला लिख सकते हो, अगर पहला औसत ना दे रखा हो तो जाने वाले लिख सकते हो, और प्लस क्या लिखोगे आप, प्लस क्या लिखोगे, कुल संख्या लिखोगे, कुल संख्या, और गुणा औसत में वृद्धि। अगर वृद्धि होती है तो प्लस लिखोगे बीच में जहां प्लस लिखा, और कमी होती है तो माइनस लिखोगे, ठीक है। तो भाई आप ध्यान दीजिए, अब गौर करिए, तो जाने वाले कितने के थे? आप कहोगे जी एक 21 साल का था, एक 23 साल का था। जाने वाले कितने हैं? एक 21 साल का है, एक 23 साल का है, तो जाने वाले कितने के हो गए बेटा? तो आप कहोगे जी 44 साल के। क्लियर हो गया। प्लस कुल संख्या कितनी है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है अगर इसमें से 2 व्यक्ति निकाल ले और 2 नए व्यक्ति शामिल कर ले। 8 में से 2 गए, 2 ही आगे, तो इसका मतलब संख्या अब भी 8 ही है। 8 में से 2 गए, 2 आगे, संख्या अब भी 8 ही है। औसत में वृद्धि कितनी हो जाती है? लिख रहा 2 साल बढ़ जाती है, तो यहाँ गुणा 2, अर्थात 44 प्लस 16, 8 दूनी 16, 44 प्लस 16 60 होती है। अर्थात जो 2 नए आए हैं उनकी उम्र का योग है 60 साल, उनकी उम्र का योग 60 साल है, 2 नए का योग है बेटा ये 60 साल का, तो हमें औसत निकालना, एक अंगुलियों पर कर लोगे आप इसे, 60 को 2 से भाग दे दो तो औसत हो गया 30 साल। औसत कितना हो गया बेटा? 30। ये सवाल था, औसत कितना, देखिए एक बार फिर सुनिए, 8 आदमी थे, उनमें से 2 चले गए, एक 21 साल का, एक 23 साल का, 44 साल चले गए, तो यहां लिखेंगे हम जाने वाले 44 साल के, 2 नए आगे, 2 चले गए, 2 नए आगे, संख्या अब भी 8 ही है, पहले भी 8 थी, 2 मर गए, 2 जिंदा हो गए, तो इसका मतलब 8 ही है। औसत में 2 की वृद्धि हुई तो 8 दुनी 16 बढ़ गए, 44 में 16 बढ़ गए, इसका मतलब 60 हो गए, 60 को 2 तक भाग दे दो, 2 आदमी का योग है तो आपका एवरेज 30 आ जाएगा। तो बच्चों आज ये कुछ क्वेश्चन थे, कल और आपका टाइमिंग बढ़ा देंगे और 15-20 मिनट, ठीक है, जैसे चैप्टर और अच्छे अच्छे, यू भी बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चों एवरेज का, इसके भी आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, एवरेज एवरेज क्या है बच्चों 2 क्वेश्चन, तो आज आप इसे बार बार पढ़िए इसे, और देखिए मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, आप उन क्वेश्चन को करके देखना भाई, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं ठीक 7 बजे, और आपको एक नए चैप्टर के साथ सारे चैप्टर कराऊंगा, एक दिन एक चैप्टर, एक दिन एक चैप्टर, बस इन्हें ध्यान से पढ़ लो, इनका तरीका पढ़ लो चुपचाप ध्यान से, तो आपका बेड़ा पार निश्चित है बेटा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपका कल से टाइम और बढ़ा देंगे इसमें, ठीक है बच्चों। जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक सभी भाइयों को। क्लास को प्लीज़ लाइक और कर दीजिए, इतना कर दीजिए बस आप। जय हिंद बच्चों।